सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। तो सुल्तानपुर लोधी में विशेष कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर MH1 न्यूज स्पेशल कवरेज भी दिखा रहा है। हमारे संवाददाता दीपक शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जोशी की सुल्तानपुर लोधी से देखिए खास रिपोर्ट। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जड़े सुल्तानपुर लोधी पहुंच रहे, और सब तो जरूरी चीज उन्होंने पहुंचन का इतने इंतजाम, इतने उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, उसके लिए भी पंजाब सरकार वालों पुख्ता इंतजाम जड़े ने वो किए गए हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफिस बनाया गया है, इतने पूरी सुविधा जी श्रद्धालुओं वास्ते इतने मुहैया करवाई जा रही है। और तुम देख सकते हो कि श्रद्धालुओं को दसा जा रहा है, जो श्रद्धालु इतने पहुँच रहे उन्होंने दसा जा रहा है कि किस तरह की ट्रांसपोर्ट की उन्होंने फैसिलिटी है, पार्किंग की किस तरह की फैसिलिटी है, ई रिक्शा जोड़े चलाए जा रहे हैं उन्होंने किस तरह की फैसिलिटी है। गलबात करने वास्ते अधिकारी साढ़े मौजूद, उन्होंने गलबात करा। सर तुहाडा नाम जी? नवदीप संधु। किस तरह दी फैसिलिटीज जड़ियां इत्थे अवेलेबल करवाई जा रही हैं ट्रांसपोर्ट नूं लैके? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हर पॉइंट ते तिन्ना साइड दे शहर दे पहलां तां आउटर पार्किंग तो इनर पार्किंग तक बसिस चलाईआं जिहड़ियां उत्थों श्रद्धालुआं नूं बसिस लैके आउंदीआं ने फ्री ऑफ कॉस्ट ने। उस तो बाद उन्होंने इनर पार्किंग तो अगे गुरद्वारा साहिब पहुँचाउण लई बस स्टैंड पहुँचाउण लई ई रिक्शा चलाए गए ने, वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट ने, तो श्रद्धालुआं नूं उत्थे पहुँचा रहे। इन्हां नूं मोनीटर कौन कर रिहा? इह साडे नोडल ऑफिसर लाए ने GM प्रनीत मनास जी, वो ये इंचार्ज ने, तो उन्होंने अंडर सारी टीम अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ऑफिसर ने, बाकी साडा होर स्टाफ वो सारा नाल मोनीटर कर। सो 60 to 70 अधिकारियों की ड्यूटी जी लगाई गई है, GM खुद जड़े है ड्यूटी के मौजूद ने, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम जी है ट्रांसपोर्टेशन लैके श्रद्धालुओं ना आए। कैमरामैन राजेश जोशी के नाल दीपक शर्मा, MH1 न्यूज सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी विखे हज़ारां संगतां दर्शनां नूं पहुँच रही हैं, और पंजाब सरकार वालों पूरे प्रबंध जड़े ने पुख्ता प्रबंध उन्होंने किए गए हैं। तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो कि प्रबंधक लॉन्च मतलब एडमिन ब्लॉक जड़ा वो बनाया, जिथे हर तरह की फैसिलिटी जड़ी है वह श्रद्धालुओं वास्ते जड़ी है वह मुहैया करवाई गई है। असीं तुहानूं अंदरों दिखाने की कोशिश करांगे एडमिन ब्लॉक कि किस तरह की फैसिलिटी जड़ी है अवेलेबल करवाई गई है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट इतने ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जड़े ने वो बैठते हैं। इस तो अलावा अगर सैकेंड नंबर पर अगर गल करिए पुलिस सिक्योरिटी सुरक्षा को लैके किसी प्रॉब्लम है तो इतने वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। हैल्थ बहुत जरूरी जी है, क्योंकि हज़ारा श्रद्धालु इतने पहुँच रहे और किसी को हैल्थ के मुतलक कोई प्रॉब्लम है तो इतने आ सकता। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने मेडिसिन दी जाती है, मेडिकल उन्होंने चैकअप किया जाता है। डॉक्टर साहब इतने मौजूद ने, पूरा स्टाफ जो मेडिकल स्टाफ उन्होंने इतने अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ना गलबात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज जड़ियाँ मुहैया करवाई जा रही हैं पेशेंट्स नूं। सर श्रद्धालु जड़े दूर दूर आ रहे हैं इतने, किस तरह की फैसिलिटीज उन्होंने, क्योंकि मरीज भी होंगे उन्होंने, किस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही? आप उन्होंने सारिया फैसिलिटीज दिखाई जा सारिया जिन्या भी मेडिसन्स आपू प्रोवाइड की जाए उन्हों का सारा कंप्लीट उन्हों का चैकअप किया जाता। जे इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने आप रैफर करते हैं जी। साढ़े को 24 घंटे इतने मेडिकल डॉक्टर्स 108 जी एम्बूलेंसा चल दियाँ वो अवेलेबल होंगे जी। आप राउंड द क्लॉक आप सारा आप करते हैं जी, ट्रीटमेंट सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है गया, इतने मेडिसन सारिया अवेलेबल है जी। 24 आवर्स इतने डॉक्टर्स अवेलेबल, एमरजेंसी सेवावान की अगर लोड पे तो किस तरह दी फैसिलिटीज ने? हाँ जी साढ़े को सर इतने आप मेडिकल लॉन्च आ उत्थे आप उन्होंने रैफर करते हैं जी, उत्थे सारा अवेलेबल आ जी सारा कुछ। हाँ जी इतने आप OPD वगैरह करते हैं जी, जे इनके कोई एमरजेंसी आती है तो आप उन्होंने मेडिकल लॉन्च या फिर कपूरथला या फिर सुल्तानपुर की आप उन्होंने रैफर कर देने। दवाइया वगैरह पूरी अवेलेबल है जी सर, सारा कुछ अवेलेबल है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइया जड़िया ने मरीजों को दिखाई जा रही ने, फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने चैकअप किया जा रहा है, और एमरजेंसी सेवावान एमरजेंसी अगर किसी मरीज में पैंती है तो उन्होंने 108 एम्बूलेंस जी इतने अवेलेबल है, और उन्होंने रैफर जरा सुल्तानपुर और कपूरथला किया जाता है। कुल मिला के पूरी फैसिलिटीज जड़िया पंजाब सरकार वालों श्रद्धालुओं वास्ते दी गई हैं। कैमरामैन राजेश जोशी के नाल दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़ सुल्तानपुर लोधी।